नमस्कार जसवीर कृष्ण चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम तीन कलर का डिज़ाइन बनाएंगे। बेस हम वाइट रखेंगे, उसमें हम दो कलर डालेंगे। अगर आपके पास भी बची हुई वूल है तो आप ऐसे डिज़ाइन को बना सकते हैं। बेस आप एक ही कलर का रखिए और उसमें दो कलर डालिए। तो इसके लिए इस डिज़ाइन को आप बेबी स्वेटर में डालिए, फ्रॉक में डालिए, कार्डिगन में डालिए, लेडीज़ जैकेट में डालिए, बहुत सुंदर लगता है बनकर। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बच्चों का मनपसंद डिज़ाइन है। इसके लिए हमने आठ 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 फंदों के हिसाब से फंदे लिए हैं। और जैसे ही हम बॉर्डर बुनकर हटेंगे, डिज़ाइन को कैसे एडजस्ट करना है, जैसे हमने बॉर्डर बुना तो डिज़ाइन की हम फर्स्ट सिलाई बनाएंगे। फर्स्ट सिलाई क्या करेंगे, हम सीधी बनाएंगे, बिल्कुल कोई फंदा उल्टा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फर्स्ट सिलाई जो है ये इसकी सीधी बनेगी ऐसे। ये देखिए ऐसे पूरी सीधी, उस वो ना सिलाई निकल गई थी बीच में, तो ऐसे हम पूरी सिलाई फर्स्ट सीधी बनाएंगे। और जो ये हम फर्स्ट सिलाई सीधी बुन रहे हैं, ये हम आपको बता दें, ये रॉन्ग साइड से आपने सीधी बुननी है। ये जो डिज़ाइन है इसको हमने रॉन्ग साइड से स्टार्ट करना है। जब हम उल्टी साइड में बॉर्डर बुनते हैं, फिर उल्टी रॉन्ग साइड में आते हैं, तब हम स्टार्ट करेंगे और पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे जो रॉन्ग साइड है। अब हमारी ये राइट साइड है, राइट साइड पे भी हम जो सेकंड सिलाई है वो रॉन्ग बुनेंगे, उल्टी ही बुनेंगे। उधर हमने सीधी बुनी, जहाँ हमने उल्टी बुननी है, तो हमारी सेकंड सिलाई है। और ये देखिए दो सिलाइयाँ हमने बनाई है, उधर से सीधी ये वाली, फिर उल्टी, इधर से उल्टी बना रहे हैं। ये देखिए ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड, दो सिलाइयाँ बनी है। अब हम थर्ड सिलाई जो बनाएंगे वो सीधी बनाएंगे रॉन्ग साइड से, बिल्कुल सीधी। ऐसे ये देखिए फ्रेंड, हमारी एक दो तीन सिलाई बन गई है। रॉन्ग साइड से जो सीधी है और राइट साइड से जे उल्टी है, तो तीन सिलाई। अब राइट साइड में हम आए हैं, अब हमने डिज़ाइन डालना है, तो हम क्या करेंगे, इस कलर से पहले डालेंगे फिर इस कलर से डालेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक फंदा जो उल्टा है उसको सिंपल बिना बुने उतारिए और दूसरे फंदे को भी आप स्लिप कर लीजिए। ऐसा कीजिए, आप जो ये उल्टा फंदा दिख रहा है ना, इस पे ही थ्रेड लगा लीजिए दूसरा कलर। जैसे ही हम ये दूसरा कलर लगाएंगे, थ्रेड उधर करेंगे सीधा और इसको स्लिप करेंगे एक फंदे को, और उसके बाद हम छह फंदे सीधे बुनेंगे, दो तीन चार पाँच और छः। ये हमारी राइट साइड है और हमने छः फंदे बुने हैं एक कलर का, छः इस कलर के, दो फंदे हम स्लिप कर लिए हैं। उसके बाद हमने फिर छः फंदे सीधे बुने हैं इसी कलर से, तीन चार पाँच छः, फिर हमने दो फंदे स्लिप करने हैं, छः फंदे इस कलर से बुनने हैं, दो तीन चार पाँच छः, फिर हमने दो फंदे स्लिप करने हैं और छः फंदे फिर बुनने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। अब एक फंदा, जब आपके जितने भी प्रोजेक्ट में फंदे होंगे स्वेटर के, जब आपने लास्ट में बुनना है और फ्रंट में बुनना है, तो एक फंदा बुन के कलर का फिर एक स्लिप करना है, और लास्ट में जब बुनते हुए आएंगे एक फंदा स्लिप करना है और एक इसी कलर से बुनना है। ये हमारी फोर्थ सिलाई है, तो और डिज़ाइन कलर की हमारी फर्स्ट सिलाई है, कलर की फर्स्ट सिलाई है। तीन सिलाइयाँ हमने पहले बुन ली है, तो डिज़ाइन की कलर से जो डिज़ाइन डाला है उसकी अब सेकंड सिलाई है, रॉन्ग साइड है। इसको ऐसे ही उतार लेना है, बुनना नहीं है, और छः फंदे उल्टे बुनने हैं, छः फंदे उल्टे बुने, फिर हमने दो फंदे जो है उसको स्लिप कर लेना है, फिर छः फंदे बुनने हैं, तीन चार पाँच छः,
फिर स्लिप करना है, फिर छः फंदे बुनने हैं, तीन चार पाँच छः, दोनों फंदे स्लिप करने हैं, छः फंदे बुनने हैं। लास्ट में एक फंदा स्लिप करना है और एक कलर से बुन लेना है। तो हमारे कलर की दो सिलाइयाँ बन गई, तीन सिलाइयाँ वो थी, दो ये। अब जो डिज़ाइन में कलर डाला है, डिज़ाइन बना रहे हैं, उसकी अब थर्ड सिलाई है। थर्ड सिलाई भी हमने सेम बुननी है जैसे हमने फर्स्ट बुनी थी, जैसे फर्स्ट बुनी थी वैसे ही सेम हमने ये छः फंदे बुन लेने हैं और दो फंदे स्लिप कर लेने हैं। तो पूरी सिलाई हम फिर वैसे ही बनाएंगे। तो हम डिज़ाइन की थर्ड सिलाई और फोर्थ सिलाई, फिफ्थ और सिक्स्थ, छः सिलाइयाँ ऐसे ही बनाएंगे। जी देखिए, चार सिलाइयाँ हमारी बन गई है। अब पांचवी सिलाई भी हम सेम बनाएंगे फर्स्ट और सेकंड की तरह। वो फंदा हम स्लिप करते जाएंगे, छः फंदे हम बुनते जाएंगे। तो ये पांचवी सिलाई है डिज़ाइन की, इनको हमने फिर स्लिप करना है, उसके बाद फिर हमने वो ही प्रोसीजर करना है। रॉन्ग साइड भी ऐसे सेकंड सिलाई की तरह ही बुननी है। जी देखिए फ्रेंड, हमने छः सिलाइयाँ बुन ली हैं। छः सिलाइयाँ बुनने के बाद अब हम जो सातवीं सिलाई है ना, उससे डिज़ाइन को चेंज भी करना है और दो तीन सिलाइयाँ हमने जे वाली बनानी है, जो हमने बनाई है ना वही तीन सिलाई बीच में हम देंगे। जैसे हम इधर से सीधी बुनेंगे, जो स्लिप किया था फंदा उसको भी सीधा बुनेंगे, आगे वाले फंदों को भी सीधा ही बुनेंगे, क्योंकि ये सिलाई पूरी सीधी ही आएगी। ये देखिए, हमने इनको स्लिप किया था सिक्स बार, इन फंदों को हम सीधा ही बुन लेंगे, तो जो ऐसा डिज़ाइन आएगा। ठीक है, तो हम पूरी सिलाई सीधी ही बुनेंगे वाइट। जी देखिए, हमने पूरी सिलाई सीधी बुन ली है। अब जो हमारी वाइट कलर की सेकंड सिलाई है वो हम सीधी ही बुनेंगे ऐसे, इसको भी हम सीधा बुनेंगे। ठीक है, रॉन्ग साइड से सीधा, और इसकी ऐसे उल्टी लाइन आएगी, तो हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। ये देखिए ऐसा आया है। तो दो सिलाइयाँ हमने वाइट कलर की बनाई है, दो सिलाइयाँ हमने और बनानी है। वो कैसे? इस साइड से आपने पूरी सिलाई उल्टी बनानी है, राइट साइड से वाइट की थर्ड सिलाई उल्टी बनानी है। पहले हमने सीधी बनाई, उस तरफ से भी सीधी बनाई, अब इसको उल्टा बनाना है। तो ये चार सिलाइयाँ जो हमारी बनती हैं वाइट कलर से, वो ऐसे ही बनेंगी। ये देखिए हमारी ये थर्ड सिलाई भी बन गई है। अब हम फोर्थ सिलाई पे आते हैं। इसकी ये हम सीधी ही बुनेंगे, रॉन्ग साइड से भी वाइट जो हमारी सिलाई है वो सीधी ही बुनेंगे ऐसे। और इस तरफ हमारी तीन लाइनें आएंगी, एक एक दो तीन। तो ऐसे आपने ये सिलाइयाँ बनानी है, सीधी उल्टी फिर सीधी सीधी उल्टी, ऐसे बनाते जाना है। इस साइड से सीधी आनी चाहिए और राइट साइड से। जो देखिए फ्रेंड, हमने ये चार सिलाइयाँ बनाई है, तो हमारी एक दो तीन बनी है। तो हमारी ऐसे छः सिलाइयाँ इसमें है और तीन लाइनें इसमें हैं, जो कि इस साइड से हमारी सीधी सीधी है वाइट। अब हम डिज़ाइन तेरहवीं सिलाई पे आके डालेंगे, कलर चेंज करेंगे। कलर हम पिंक लगाएंगे, पिंक कलर, और जैसे जहां दो हमने छोड़े थे फंदे, अब हम बीच में छोड़ेंगे। तो इन दो फंदों को हम देख लेंगे, जहां तक आगे दो चार छः फंदे थे, बाकी हमारे कितने फंदे बचते हैं, दो चार छः, तीन फंदे बचते हैं। पहले हम इन तीन फंदों को नया कलर लगाकर बुनेंगे। तो हमने नया कलर ऐड किया है और इसको हम अब तीन फंदे पहले बुन लेंगे, दो और तीन, तीन फंदे हमने बुने हैं। इसमें से हम देखेंगे कि ये डिज़ाइन कहाँ पे था, उसी हिसाब से हम दो फंदे जे हैं, दो चार पाँच और छः फंदे, हमारे छः फंदे इस डिज़ाइन के हैं। इसमें से हम दो फंदे बुन लेंगे, दो हमने बुने हैं पहले,
दो और बुनेंगे तो हमारे चार फंदे टोटल बुने हुए इस कलर से आ जाएंगे। अब हम बीच में दो फंदे सिंपल स्लिप करेंगे। आगे हम छह फंदे बुनेंगे पिंक, दो तो बीच वाले हैं, दो इधर से लेंगे, दो इधर से, तो हम छह फंदे, एक दो ये बीच वाले हैं, तीन चार पाँच और छः, तो छः फंदे हमारे जे आ गए बीच में। अब इसके बीच में जो दो फंदे हैं इधर वाले स्लिप करेंगे। अब छः फंदे और बुनेंगे, दो तीन चार पाँच और छः, दो फंदे स्लिप करेंगे, छः फंदे पिंक कलर के बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर दो स्लिप करेंगे, लास्ट में हम चार फंदे बुनेंगे। तो ऐसे आपने सेकंड जो कलर डालना है उस डिज़ाइन को ऐसे आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड हम जो डिज़ाइन की हम सेकंड सिलाई बनाई थी सेम बनाएंगे, तो हम वो फंदे पिंक बुनेंगे, रॉन्ग साइड पे पिंक बुनेंगे, ये उतारेंगे, स्लिप करेंगे, पिंक बुनेंगे छः फंदे, पहले हमने चार बुने हैं लास्ट वाले, फिर हम छः छः फंदे बुनेंगे, फिर दो स्लिप करेंगे और छः फंदे बुनेंगे। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई कवर करनी है। ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमने ये छः सिलाइयाँ बनाई थी ऐसी सेम छः सिलाइयाँ हम इस कलर से बनाएंगे। दो हमने बना ली है, चार और बनाएंगे, तो सेम स्लिप करेंगे और इन फंदों को बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने छः सिलाइयाँ बना ली है। छः सिलाइयाँ बनाने के बाद डिज़ाइन ऐसा दिखेगा। अब हमने फिर वो चार सिलाइयाँ देनी है, इसमें तीन लाइनें देनी है, तो हम वाइट कलर को लगाएंगे, दो पूरी वाइट ही बुनेंगे, जो हमने फंदे स्लिप किए थे उनको अब हम बुनेंगे। तो हमारी ये सीधी सिलाई वाइट कलर की एक सिलाई है। अब ध्यान से देखना है कितनी सिलाइयाँ बनेंगी। डिज़ाइन की तो हमारी छः सिलाइयाँ हैं, कलर की तो हम पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने सीधी सिलाई एक बनाई है। अब सेकंड सिलाई जो है हमने वो भी सीधी बनानी है, रॉन्ग साइड है लेकिन हमने सीधी बनानी है। तो हमारी ये वाइट की सेकंड सिलाई है, ऐसे सीधी बनानी है सेकंड सिलाई। ये देखिए सेकंड सिलाई हमने सीधी इस तरफ से बनाई है। अब हमारी थर्ड सिलाई है, थर्ड सिलाई जो राइट साइड में है हम उल्टी बनाएंगे। ये देखिए हम ना उल्टी सिलाई बना रहे हैं, थर्ड वाइट, तो पूरी उल्टी बनाएंगे तो ये दो लाइनें बन जाएगी। ये देखिए थर्ड सिलाई हमने बुन ली है। अब हमारी फोर्थ सिलाई है और रॉन्ग साइड है, वाइट कलर की फोर्थ सिलाई है लेकिन हम इसको सीधी ही बनाएंगे, ऐसे उल्टी साइड है लेकिन सीधी बनाएंगे। तो हमारी चार सिलाई सीधी ए बन जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड, ये जो चार सिलाई वाइट बनाई है उसके बाद डिज़ाइन ऐसा दिखेगा। तो ऐसा गुलाई में डिज़ाइन आता जाएगा जब हम आगे फिर इसी कलर को डालेंगे। तो इन्हीं सिलाइयों को आपने रिपीट करना है, छः सिलाइयाँ बीच के डिज़ाइन की और चार सिलाइयाँ वाइट कलर की, तो 10-10 सिलाई का डिज़ाइन है। अब हम ए वाला कलर लगाएंगे। तो इस वाले कलर पे हमने क्या किया था, हमने सिंपल एक फंदा बुना था, एक स्लिप किया था, फिर हमने छः फंदे बुने थे, एक दो है ना, तीन चार पाँच और छः, ऐसे हमने डिज़ाइन स्टार्ट किया था। अब बीच में जो दो फंदे हैं उसको फिर स्लिप करना है, पहले एक स्लिप करना है, छः फंदे बुनने हैं, फिर दो स्लिप करने हैं, फिर हमने आगे डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो हम ऐसे ही जो हमने डिज़ाइन की कलर की फर्स्ट सिलाई बनाई थी वही हमने रिपीट करनी है। छः फंदे बुने, दो स्लिप किए, तो ऐसे हमने
बुनते हुए इस डिज़ाइन को बनाते जाना है। और डिज़ाइन बनकर बहुत सुंदर लगता है, जब बेबी की फ्रॉक में डालते हैं और बच्चों के स्वेटर में डालते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं इतना सुंदर सा सॉफ्ट सा पहन के। तो आपने ऐसे ही डिज़ाइन को बनाते जाना है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।